हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष। तो आप मेरे किचन में स्वागत करती हूँ आपका। तो आज मैं लेके आई हूँ बूंदी की रेसिपी। तो दीपावली पे हमारे को देसी घी के लड्डू बनाएंगे भोग के लिए। तो देखिए बूंदी की बनाते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। ये बारीक वाला बेसन है, मैंने छान लिया अच्छे से। अभी इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा सोडा, ज़्यादा नहीं डालना, हमारे को थोड़ा सा ही डालना है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी से ही अच्छे से मिलाना है, एक बैटर बनाना है हमारे को। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है हमारे को, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो इस हिसाब से तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से देखे अच्छे से मिला लिया इसको बेसन को पानी से। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर, कि बूंदी में कलर अच्छा आ जाएगा इसलिए। तो देखे देखे फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिला लिया इसको। अब चाशनी के लिए चाहिए हमारे को 1 कटोरी, जो बेसन से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी लिया है मैंने। तो गैस को कर देंगे ऑन। तो इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, मतलब चीनी से थोड़ा सा कम पानी। तो बनाएंगे चाशनी। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच इलायची। अब देखिए फ्रेंड्स, चाशनी हमारी तैयार हो गई। तो चाशनी को करते हैं तैयार, देखते हैं। तो देखिए चाशनी हमारी चिपचिपी हो गई, एक तार बन रहा है इसमें, आप देख सकते हो। तो इसको रख देंगे साइड में ठंडी होने के लिए। गैस पे लेंगे पैन, मैंने इसमें घी डाल दिया पैन में। तो इसको करेंगे गरम। तो मैं इसकी मदद से बूंदी उतारूंगी। ये जा रहा है मेरे पास, तो गाजर घिसने का, इसे उतारेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो गया। तो इसमें छोड़ेंगे बेसन। देखिए इसी हिसाब से बूंदी बनानी है हमारे को। अब इसको रख देंगे इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, बूंदी अच्छे से सिक गई, इनको निकाल लेंगे। इस हिसाब से दूसरी बूंदी भी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी सिक गई, इनको भी निकाल लेंगे। कितनी क्रंची क्रंची बन रही है हमारी बूंदी। देखिए फ्रेंड्स, सारी बूंदी उतार ली हमने। अब इसको रख देंगे साइड में। और ये बूंदी हम डालेंगे इसमें चाशनी में, कितनी क्रंची बनी है ये।
तो इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसको करेंगे ठंडा, ठंडा करेंगे हम इसको, बाद में बनाएंगे लड्डू।